क्यों पतला होता है? क्योंकि वो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देती. क्यों नहीं होने देती? क्योंकि वो थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट कर देती है. ठीक है, थम्स अप दे दिया करो अगर समझ आ जाए करे, ताकि मुझे पता हो कि एक्टिव है सारे. ठीक है ठीक है ठीक है, बेहतरीन. अच्छा जी, किस किस को याद है लात ट्रैक? बस थम्स अप देना जिस जिस को याद है लात ट्रैक. ठीक है, लात मारने से पारा हाई हो जाए, टेम्परेचर पेन ट्रैक. ठीक है जी. और किस किस को याद है आर्ट ट्रैक? आर्ट आंटी वाला नहीं, क्यूटी वाला. ठीक है, क्रूड टच और फिर प्रेशर से हम उसको मार देते हैं. क्रूड टच एंड प्रेशर के लिए एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, आर्ट ट्रैक. ठीक है, तो कीप इट रिमेम्बर लाइक दिस. और उसके बाद एक मैंने कहा था कि जो फाइन फाइन टच वगैरह, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन. ठीक है, नई नई जो बीमारियां, जो नई नई जदीद जो सेंसेस है उनके लिए होता है DCML लियन. ठीक है. अच्छा, अब एक ट्रैक और है जिसको मैं याद रखता हूँ, स्मूथ ट्रैक. स्मूथ ट्रैक ठीक है, वैसे एक फाइन स्किन वाला भी होता है, वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है. ट्रैक के बारे में अगर आपने ये चार, मैंने 1 मिनट की ये मेरी बातें याद कर ली ना, समझे सारे ट्रैक्ट आपके हो गए. ठीक है, एक ट्रैक्ट है कॉर्टिकोस्पाइनल जो फाइन स्किन मूवमेंट्स के लिए होता है, लेकिन एक एक है जो स्मूथ होता. जी डॉक्टर अकमल हुसैन, मैं ट्रैक्ट ही बता रहा हूँ. एक होता है जी स्मूथ ट्रैक्ट, ठीक है, वो कौन सा होता है? वो होता है स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट. स्पाइनो सेरिबेलर, एस से स्पाइनो सेरिबेलर, एस से स्मूथ ट्रैक्ट. वो स्मूदन और कोऑर्डिनेट करता है, स्मूदन और कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट्स को. ठीक है, स्मूथ ट्रैक्ट. ठीक है, कल वाला नॉलेज भी हो गया और आज वाला एडिशनल नॉलेज भी हो गया. 13 MCQ है. पेशेंट ब्लाइंड फोल्डेड, आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन हैंड, व्हिच एरिया असेसमेंट इज बीइंग डन. तो कुछ लोग कहते हैं कि जी प्राइमरी सोमेस्टिक एसोसिएशन एरिया होता है, लेकिन प्राइमरी सोमेटिक एरिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये उसका जो एसोसिएटिव एरिया होता है ना, सोमेटिक एसोसिएशन एरिया, वो होता. लास्ट वाला नहीं समझ आया. अच्छा, लास्ट वाला जी है स्मूथ ट्रैक्ट. सर, ट्रैक वाला 1 मिनट की ऑडियो ग्रुप में भेज दीजिएगा, वो हम लिख लेंगे. चले ठीक है. मैं नहीं ऑडियो भेजूंगा, जिस बच्चे को सबसे अच्छा समझ आया है वो ऑडियो भेजेगा. ठीक है, कोई तो है जिसको समझ आया है कि किसी एक को भी नहीं समझ आया. और मैं बेसिकली चाह रहा हूं कि आप लोगों को मैं यहाँ याद करवा के भेजूं चीजें. ठीक है, लात ट्रैक, लात मारी, पेन और टेम्परेचर हुआ. ठीक है, बंदे को गुस्सा आ गया. लात ट्रैक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज फॉर पेन एंड टेम्परेचर. ये मैं बेसिकली बता रहा हूँ सेंसेस के, कौन सा ट्रैक किस किस चीज के लिए होता है. लात मारी किसी को तो उसको वहां पे दर्द होगी, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, वो गुस्से में आ जाएगा. पेन और टेम्परेचर के लिए लात ट्रैक्ट, विच इज लेटरल स्पाइनो थैलामिक ट्रैक्ट. ठीक है, आंट, आंट क्या है? चींटी. वो मेरे हाथ पे रेंग रही है, तो वो क्या है, क्रूड टच होता है ना आंट का, बड़ा क्रूड सा टच होता है. तो मैं क्या करता हूँ, अपने अंगूठे से उसको दबा देता हूँ, उस पर प्रेशर अप्लाई करता हूँ. क्रूड टच और प्रेशर के लिए क्या होती है आंट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है वो क्रूड टच और प्रेशर के लिए होता है. ठीक है. अच्छा, फिर जो नई जदीद चीजें हैं, ये तो था आंट. अगर आंटी, अगर किसी को जो फाइन स्किल टच, अगर कोई आंटी जो है वो मुंह पे थप्पड़ मारे, फाइन स्किल टच हो, ठीक है, और वाइब्रेशन भी महसूस हो बंदे को कि वाइब्रेशन भी हो रही है अब. ठीक है, और किसका नाम है वो, होगा DCML, वो जदीद चीज है DCML, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम. ठीक है, फाइन टच के लिए और प्रोप्रियोसेप्शन के लिए और वाइब्रेशन के लिए DCML. और अगर आपकी मोटर मूवमेंट्स के लिए एक ही ट्रैक्ट होता है मोटर मूवमेंट्स के लिए, ठीक है, और वो होता है फाइन स्किल्ड मोटर मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट्स, वो होता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. अच्छा, अब एक होता है स्मूथ ट्रैक्ट जो आपकी मूवमेंट्स को स्मूथ कर देता है. ठीक है, वो है स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, एस स्पाइनो सेरिबेलर, एस स्मूथ ट्रैक्ट. ठीक है, आई होप एवरी वन इज क्लियर. जिसको क्लियर नहीं हुआ वो अब ग्रुप में मैसेज कर दे, मैं दोबारा उसको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा. चले चले चले, ठीक है जी. अब पेशेंट ब्लाइंड ब्लाइंड फोल्डेड ली, उसको कहा है जी आइडेंटिफाई करे ऑब्जेक्ट को, तो प्राइम सोमैटिक एसोसिएशन एरिया होगा जी उसका जवाब. ठीक है, अच्छा बंदा है, ठीक है, RTA हुआ है और टेम्पोरल लोब डैमेज हो गया. ठीक है, टेम्पोरल लोब डैमेज हो गया उसका ना. ठीक है, तो कौन सी आर्टरी पड़ी होगी, हमारी मोस्ट फेवरेट आर्टरी कौन सी होती है? माशाल्लाह माशाल्लाह, मिडिल मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. ठीक है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी बेसिकली टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होती है. ठीक है,
तो आरटीए, अगर बंदे आरटीए में डैमेज हो टेम्पोरल लोब, तो हमने याद रखना है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होगी, लेकिन कौन सी उसकी ब्रांच, उसकी जो सबसे आगे इंटीरियर ब्रांच है ना, वो डैमेज होगी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। और इसकी वजह से कौन सा हीमाटोमा होता है सर, मतलब इसकी वजह से कौन एडीएस सा होता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा, एपिड्यूरल हीमाटोमा। अच्छा सर, अच्छा फिर एपिड्यूरल होता है, आपके जेन में सवाल ये आएगा कि सर अगर एपिड्यूरल होता है तो वो कौन था जिसमें वो ब्रिजिंग वेन जाती थी पीछे, हमने एमसीक्यू किया है, वो था एसटीएच, एसटीएच। सब ड्यूरल हिमाटोमा, सब ड्यूरल हिमाटोमा, ठीक है जी, वो था सब ड्यूरल हिमाटोमा, उसमें ब्रिजिंग वेन्स आती हैं, सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स वगैरह आती हैं, ठीक है, ब्रिजिंग वेन्स आती हैं। अच्छा सर, ठीक है, फिर हीमाटोमा वाला पॉइंट दोबारा बता दें। हीमाटोमा बेसिकली क्या है कि टेम्पोरल लोब अगर डैमेज हुई है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होगी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से जो हीमाटोमा होगा वो होगा एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा, जिसको एपिड्यूरल भी कहते हैं। और एक हीमाटोमा जो होता है वो होता है किसकी वजह से, वो होता है किसका नाम है, सेरिब्रल वेन, ब्रिजिंग वेन्स की डैमेज की वजह से, उसे कहते हैं सब ड्यूरल हीमाटोमा, ब्रिज के नीचे सब ड्यूरल, ठीक है, ब्रिज के नीचे सब ड्यूरल, ब्रिज है ना, ब्रिजिंग वेन्स, ब्रिजिंग वेन सब ड्यूरल, ब्रिज के नीचे सब ड्यूरल, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल क्या है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा तारीफ कर दी है, ठीक है। और ब्लड स्टेन सीएसएफ, ये अभी डॉक्टर साहब आए, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ब्लड स्टेन सीएसएफ एलपी में जब भी आएगा सब एरेकोनाइड हेमरेज, ये अगर पॉइंट्स आपने कर लिए तो आपका हेमरेज नहीं जाता, ठीक है, इंशाल्लाह। जो है पेशेंट हैज लॉस ऑफ थर्स्ट एंड हंगर एंड सेक्सुअल डिजायर्स, ये सारे थर्स्ट सेंटर हंगर सेंटर, ये हर चीज कहाँ पे पड़ी हुई है, हाइपोथैलेमस पे पड़ी हुई है, ठीक है। एक बंदा है उसके कान छोटे हैं, उसकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल भी जो है ना वो भी मैल डेवलप्ड है, ठीक है, तो ये बेसिकली फर्स्ट और सेकंड ब्रिंकियल आर्च का मसला है, कि कुछ हिस्सा जो है ब्रिंकियल आर्च फर्स्ट का और कुछ जो है वो सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड जो है 1-2 का मसला। अच्छा जी, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन जब आप डाउन होते हो तो आपको जो मेरा कोई निमोनिक है वो ओवर कर देता, अभी आप लोग थके हुए हो, डाउन हुए हो, ठीक है, तो मेरा कोई निमोनिक जो है वो आपको ओवर कर देगा, आपको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन होती है, ठीक है, तो अभी आप थके हुए हो, डाउन हो, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन होती है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन होती है, कीप इट रिमेंबर लाइक दिस, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन होती है, ठीक है। जो जो लोग एंजॉय कर रहे हैं वो थम्स अप कर दे, बोर तो नहीं हो रहा है, सेकंड पेपर है, लेकिन हमने इंशाल्लाह आज ये करना, बेहतरीन बेहतरीन, आई होप ये सबके लिए वर्थ इट हो। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज्ड बाय, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज्ड बाय, इसको याद रखो, अगर जिसको कॉन्सेप्ट है तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं है तो वो इसको इस तरह से याद रखे कि ग्रोथ हार्मोन ने क्या करवानी है, ग्रोथ करवानी है, ग्रोथ कब होगी, जब बॉडी में ग्लूकोज होगी, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन